दोस्तों काफी बड़ी बैड न्यूज निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के पहले RATS कॉरिडोर यानी कि रैपिडेक्स कॉरिडोर को दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाया जा रहा है और इसको दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RATS कॉरिडोर भी बोला जाता है। तो इस कॉरिडोर को लेके एक काफी बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे RATS कॉरिडोर की जो लंबाई है वो आपको टोटल 82 किलोमीटर लंबा देखने को मिलेगा और इस पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को बनाने के लिए कुल मिला के 30,000 करोड़ का खर्च आएगा। अब दोस्तों ये जो RATS कॉरिडोर है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों में से होके गुजरता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने तरफ से कुछ फंडिंग करनी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को बनाने के लिए 30,000 करोड़ का खर्च आएगा। अब 30,000 करोड़ में से जो 60% अमाउंट है वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दी जाएगी, तो उसके बाद बचता है 40% अमाउंट। इस 40% में से 20% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और बाकी के बचे हुए 20% में से 16.5% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बचा हुआ 3.5% है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को देना था। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट को 415 करोड़ रुपए देने थे इस दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाए जाने वाले RATS कॉरिडोर के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास पैसों की थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है, इसी कारण दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 415 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं करी जा सकती। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से 13 किलोमीटर जो कॉरिडोर है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, जहां पर सराय कालेखा, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार जैसे स्टेशन देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा बोला गया है कि 2 महीने के अंदर 415 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है उसको किया जाना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बीते 3 सालों के अंदर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं केवल एडवर्टाइजमेंट पे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट का 1 साल का एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो उस अमाउंट से ज्यादा है जो वो दिल्ली मेरठ RATS कॉरिडोर के लिए पे कर रहे हैं। और जब दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया कि वो इस पेमेंट को पे करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट को 2 हफ्तों के अंदर पिछले 3 सालों में जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया है उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश किया जाए। तो देखने होगा कि आगे इस मैटर में क्या अपडेट निकल के सामने आता है। तो वेल दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।